और मलाइका मैम आपने देखा जी क्या कुछ तो है चल रहा है कुछ चल रहा है चल रहा है लेकिन मुझे आज टेरेंस सर पे बड़ा गुस्सा आ रहा है क्यों क्योंकि जब धर्मेश भाई आए थे उधर उनको बिठा दिया नोरा आई उधर पास में बुला लिया और खुद लेने भी गए हाँ लेने भी गए धर्मेश भाई को तो बोलते उधर से निकल उधर से ऐसे बोला कितनी बार बिचारी मलाइका ऊपर नीचे एक बार टेरेंस जाके उसको हाथ नहीं दे के ले ये गया बांद्रा स्टेशन पिकअप करने नोरा यू स्टेड बांद्रा हाँ जी हाँ बांद्रा में शी आल्सो बांद्रा से पूछना है आपको किस तरह का लड़का चाहिए सी प्रॉब्लम क्या है मैम कि एक एट्रीब्यूट अवेलेबल है दूसरा अवेलेबल नहीं है ओके फॉर एग्जांपल मेरा लड़का टैलेंटेड होना चाहिए ओपन माइंडेड होना चाहिए टॉल होना चाहिए देखने में अच्छा होना चाहिए स्मार्ट होना चाहिए सी द प्रॉब्लम आई सी द प्रॉब्लम टेरेंस सर ने सोच ही लिया है कि ये सारी चीजें मुझमें है इसके दिमाग में बस वही चल रहा है अरे मैं तो बैठा हूँ गुड लुकिंग हूँ टैलेंटेड भी हूँ नहीं नहीं और बैठे भी ऐसे धीरनाथ चौहान की तरह नोरा आप कहाँ से हैं वैसे मैं मेरा पैदा टोरंटो में हुआ था कनाडा में मेरी पेरेंट्स मोरक्को से हैं दिल से इंडियन हूँ ग्लोबल सिटीजन हूँ आजी टेरेंस सर तो फिर क्या कहेंगे उनको बुलाना है इधर कि हम लोग जाएंगे कनाडा हम जाएंगे उधर देखो उधर देखो इंगेजमेंट हो गई थी अभी क्या क्या हो रहा था अरे चिपक रहे थे उधर क्या हो रहा ऐसा करके कुछ ऐसा फैलाया और हमारा लड़का पसंद है आपको बहुत अच्छा है व्हाई नॉट यस सर बहुत अच्छा है सर बहुत अच्छा है सर बहुत अच्छा है टेरेंस सर बस क्या इतना टेरेंस सर आप तो वो बन गए लगान वाला भुवन और वो फॉरनर माय हार्ट हम तो का लगान देगा और हम फिर मैच खेलेंगे हर्ष बनेगा कचरा भाग कचरा ए कचरा भाग घुमाई के मार कचरा कचरा घुमाई के मार और गीता मां बनेंगी मेरे को ना गीता माँ के बाल देख के ना वो याद आ फिरंगी कहा हुआ कचरा का हुआ बारिश आएगी कचरा अरे मलाइका मैम ये क्या कर दिया भारती ये शुभ्रो भैया ना हाँ। जब इनको 30-30 मिल रहा था ना 9 बजे तक के सो जाते थे और पता नहीं अचानक क्या हुआ अभी 2-3 बजे तक के फोन में लगे हुए रहते हैं किसके साथ वही तो मैं ना ऐसे बीच बीच में जा ऐसे तो ऐसे करते तो मैं बोला अरे ठीक है भैया दिखा सकते हम भाई भाई है कोई दिक्कत नहीं है चलता है क्या छुपा रहा है क्या हो रहा है क्या हो रहा है ये रिहर्सल हॉल में भी ऐसे रहते हैं मतलब बता दे अरे सच में अभी बोलने दे शुभ्र मैं इसको देखता हूँ बैठ जाता मतलब रिहर्सल करता हूँ तो बोलता हूँ थोड़ी देर टाइम पास मतलब बैठ थोड़ा रेस्ट कर ले आता है बैठते मोबाइल करके हंसते रहता है पुल्स भाई ये तो प्यार में ही खुशी होती है फिर पुच्चू व्हाट्स गोइंग ऑन पुच्चू बताओ प्लीज बताओ इसका फोन कहाँ है वो लेके आओ कहाँ रख दिया किससे बातें करते हो अरे वो बेचारा कब से ऐसा 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 हाँ मैं मतलब आवाज ही नहीं निकल रही पकड़ा गया ना पकड़ा गया हाँ बाबा जा पकड़ा गया हाँ ऐसे बोल देना हाँ कौन है भाई वो
बोलना बोलना शुभ्रिल, तू बड़ा चुप बैठा रहता था ना उधर अकेले, तू यही सोचता था कि क्या बात करूंगा रात को। चल बोल बोल कौन लड़की है वो? अरे बोलने तो दो उसे। हाँ ट्राई कर रहा हूँ बोलने का, मतलब ऐसा कुछ है नहीं मैम, मैं तो बस मतलब कोई भी मैसेज आता है अच्छा मतलब वाइब लेके तो मैं खुश हो जाता हूँ। ये झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है वो मुकुल ने सही कहा है कि जब तक आपको 30-30 मिल रहे थे तो आप जल्दी सो जाते थे, अब नहीं मिल रहे हैं तो अपना दुख किसी के साथ तो बांट रहे हो। तो वो कौन है, कौन है जिसके साथ अपना दुख शेयर कर रहे हो? चलो मैं गेस करती हूँ, ये अपनी वो ऋतुजा ना, वो बहुत ज्यादा संस्कारी है, दी है। ये अपनी दुधेली लड़की, क्या नाम है वाइफ लड़की? श्वेता। श्वेता ये आप लगता है सही जा रहे हो, मेरे को ऐसा लगता है आप सही जा रहे हो। श्वेता मुझे वाइब आ गया यहाँ से, वाइब। अगर तो वो श्वेता है तो वो तेरा फायदा उठा रही है, क्योंकि उसने जगह देख ली सर पे, उसने कहा कि स्टूडियो क्लासिकल वहाँ पे, ऐसे थाप की ज्यादा आवाज आएगी। अभी मैं जब हम लोग सो रहे थे, मैं फोन में लगा कैसे से प्रैक्टिस कर रहा, सॉन्ग याद कर रहा। ओके और भैया सो गए थे, भैया सो गए थे। हाँ भैया तो पूरे नींद में। अच्छा वो बीच में अरे रुको ना ऐसा, अरे रुको ना, ये क्या था भाई? ये नींद में बोल रहा है, ये श्वेता भी नींद में बात करती है तो क्या हो रहा है पे? को लग रहा है ये तो मतलब कुछ कम्युनिकेशन इज हैपनिंग। नहीं मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ, दोनों ने नींद में बात की है और दोनों को याद नहीं है। हाँ तो इसलिए ये रोक रहा है, ये फुल स्पीड में जा रही है, मतलब चक्कर क्या है? बोल श्वेता। वो तो अभी हंस रही है, हम सिर्फ दोस्त है अच्छे। अच्छा सच्ची बोल, वी आर जस्ट फ्रेंड। सच्ची बोल, सच्ची। सर ने कहा भी है कि एक सुंदर लड़की और एक गंजा लड़का कभी दोस्त नहीं हो सकते, कुछ तो लफड़ा होगा उनके साथ। बताओ तुम्हें बताओ इसका कुछ लफड़ा है, वरना वो राहुल बन जाए, मैं अंजलि, हमको फुटबॉल चाहिए, हमें बास्केटबॉल चाहिए ऐसे डालने के लिए। हाय हाय रे हाय ये लड़का, हाय हाय रे हाय। व्हाट इज गोइंग ऑन, डू यू लाइक हिम एज अ फ्रेंड? Did I ask you that? Yes या no में जवाब देना। Do you like him? Yes. Very good. Do you like her? Of course yes, as a friend. तो फिर क्या problem? As a friend ma'am, ऐसा कुछ नहीं। मैंने पूछा, मैंने सिर्फ yes और no. Do you like her? Do you like her? Yes of course. You like her? She also likes you. But as a friend मतलब कोई। तो हमने कब बोला दुश्मन होके एक दूसरे से अच्छा करो, मतलब ये क्या हो रहा है? ये क्या शादी ब्याह केंद्र है हमारा? ये रिश्ते जोड़ रहे हैं क्या, डांस शो कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं? Exactly. शादी क्यों सोच रहे बाबा, अभी एक दूसरे को बस लाइक कर रहे हैं ना, ये शादी की तरफ क्यों जा रहे हैं? मलाइका मैम ने की बैंड्रा गर्ल वाली बात, जस्ट लाइक ए फ्रेंड, शादी नहीं जस्ट लाइक ए पार्टी भाई, मलाड वाले शादी करो, बैंड्रा वाले नहीं, जस्ट लाइक ए फ्रेंड। वो नहीं Outstanding. Super. Outstanding. Super. You are too good. You're banta. You're banta. You're banta.